दोस्तों हमने अभी यहाँ पे आटा डाला है, करीब 2 किलो आटा, 2-3 किलो आटा डाला हूँ और ग्राउंड चराई किया हूँ। अभी मैं यहाँ बहुत दिनों के बाद आया हूँ, आज मैं पहली बार चराई करके जा रहा हूँ। अभी 2-3 दिन चराई करना है, कल भी मैं डाला था 2 किलो, क्योंकि बिना ग्राउंड चराई को नई जगह मछली पकड़ना बहुत दिक्कत है, अगर खास करके मछली कम है तो, और अगर बहुत सारा मछली है तो वो तो तुरंत शिकार हो जाता है, चराई करो 1 घंटे के अंदर मछली लग जाता है, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं, मछली है नहीं, कम है, तो हम उसको पहले ग्राउंड चराई ज़्यादा इसलिए डाला हूँ ताकि आदत देखे और मछलियों को बुलाना है। तो चलो दोस्तों वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय। तो दोस्तों देखा हमने, रोटी का टुकड़ा डाल दिया है, अभी मैं समझ लो मरल का शिकार करूंगा, तब तक अभी 1 घंटे के बाद यहाँ पे मैं आऊँगा, तब तक मैं ट्राई करता हूँ मरल का शिकार होता है कि नहीं, देख लेता हूँ। अरे साला रे, दोस्तों हमने बहुत मरल फिश का ट्राई किया है लेकिन एक भी लगी नहीं है, 2 बार हल्का झपट्टा मारा था लेकिन कोई काम की बात नहीं थी। तो अब मैं रोहू का शिकार देखता हूँ ट्राई करके क्या होता है। हमने यहाँ तो चारा डाला हुआ, हमारे हाथ में दोस्तों ये 3 तरह का हुक है, और ये हुक जो है ये वार बहुत जल्दी होता है इससे, क्योंकि इसका नोक बहुत ही बारीक रहता, और लेकिन इसका अंदर वाली जो नोक है ये अंदर तो उसका बहुत कम रहता है ये हुक के मुकाबले में, इसका नोक अंदर वाली बहुत कम रहता है। तो इससे क्या है, मछली फिसल के निकल जाती है, अगर आपका मच्छी अगर घास में घुस गया तो बहुत जल्दी वो छूट जाती है, निकल जाती है हुक से, और ये अगर घास में भी मच्छी घुस चुका है ना तो फिर भी इसमें लगा रहता है, जल्दी निकलने का इसमें डर नहीं होता, और ये हुक भी बहुत ही अच्छा है, इससे भी मछली निकलती नहीं है, लेकिन ये है थोड़ा बेंड है, ये हुक बेंड होता है, क्रॉस रहता है, इसके लिए ये ज़्यादा वार जल्दी होता है मच्छी, इसलिए मैं इसको ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ इस हुक को, चाहे छोटी हो या बड़ी, ये हर मछली के लिए अच्छा है ये हुक, तो इसी को इस्तेमाल करने जा रहा हूँ मैं।
Thank you.